मैं भी कितना पागल हूं, ताजा गुलाब का फूल यहां मेरे कमरे में खिला है और मैं उसकी खुशबू वहां। अरे होगा कोई, तुम ये मत समझना कि मैं नशे में हूं। नशा तो मुझे होता ही नहीं है। माफ करना, ड्रिंक्स थोड़ी मिक्स हो गई हैं। लेकिन आज की बात ही कुछ और है। विस्की, अनटच्ड जवानी, कोरा हुस्न, किसी शायर ने खूब कहा है, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले हैं। तो आओ एक दूसरे से मिल जाए, किटी डालें, माई किटी डालें, कम कम किटी डालें, किटी डालें। मदर इन लॉ। अरे कैसी मॉर्निंग, काहे की मॉर्निंग, उस प्रोफेसर ने तो अंधेरी अंधेर कर दिया। दहेज के खिलाफ तकरीर करना फैशन के लिए तो ठीक है, दूसरों की बेटियों की शादी के लिए भी ठीक है, मगर उस प्रोफेसर ने अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर दिया। वो तो उसने पहले ही कह दिया था डियर मदर इन लॉ। वो तो मैंने भी सुना था, लेकिन कहने में और करने में कुछ तो फर्क होता है। माई डियर मदर इन लॉ, लोगों से रकम ऐंठने के हजारों तरीके हैं। मैंने ये शादी कोई लाख दो लाख के चक्कर में थोड़ी कराई है, अरे ये तो करोड़ों का खेल है। क्या, वो कैसे? वो ऐसे, दिन में तीन बार निछावर होती रही है पूजा पर, प्यार ही प्यार दीजिए उसे। क्या बक रहे हो तुम, मैं तो उसे चक्की की तरह पीसूंगी दिन रात, चक्की की तरह। हाँ क्या हुआ डार्लिंग, घर की याद आ रही है क्या? ये किटी कौन है? किटी कौन? किटी, मैं किसी किटी को नहीं जानता। आप किसी किटी को नहीं जानते, फिर रात मुझे किटी डार्लिंग कहकर क्यों पुकार रहे थे? अरे वो, हाँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है? देखो डार्लिंग, पूजा तो तुम्हें सभी कहते हैं, तुम्हारी दादी जी, तुम्हारे डैडी, तुम्हारे आस पड़ोस वाले। अब मैं भी तुम्हें पूजा कह के तुम्हारे मायके वाला क्यों बनूं? मैंने तुम्हारा स्पेशल नाम रखा है किटी, ओनली बिटवीन अस। इस कमरे में तुम मेरी किटी हो, मैं तुम्हारा कौन हूं? अरे कोई भी अच्छा सा रख लो अपने इस दीवाने का नाम, रोमियो, मजनू, फरहाद। नहीं, ये सब ट्रेजिक कहानियों के हीरो हैं। आप मुझे किटी नहीं, सीता कहिए और मैं आपको राम कहूँ। चलो मान लिया तो मेरी सीता जी, अगर मेरा कसूर माफ कर दिया हो तो अपने इस राम के लिए एक कप गरम गरम कॉफी लाओगी प्लीज? लाऊंगी।